हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी स्वीट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई में हमने लिया है 1/2 गिलास दूध, और अभी इस दूध में हम डाल देंगे 3 चम्मच चीनी, 1 चम्मच घी, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऐसे ही बीच बीच में चलाते हुए हमें इस दूध को मावा बनाना है। अगर आप लोग चाहें तो पूरा लिक्विड दूध से भी मावा बना सकते हैं। मावा तैयार हो गया है, अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। मावा जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो चूल्हे पर कढ़ाई में हमने लिया है 1 कटोरी चीनी, अभी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जितना चीनी लिया है उससे थोड़ा कम पानी हमने यहाँ पर लिया है। अभी चीनी को मेल्ट होने देंगे, उसके बाद इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। तो देखिए चीनी मेल्ट हो गया है, अभी सिरप को और थोड़ी देर तक हम पकाएंगे। तो देखिए सिरप थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, अभी हम डाल देंगे कुटी हुई इलायची, और अभी हम डाल देंगे 200 ग्राम छेना। छेना डालने के बाद एकदम लो फ्लेम पर चीनी के साथ इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है 3 से 4 मिनट तक। तो देखिए सिरप पूरा सूख चुका है, अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इनको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने मावा से छोटे छोटे बॉल्स बनाया है, और यहाँ पर छेना को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे मसल कर। छेना को हमने मसल कर सॉफ्ट कर लिया है, अभी थोड़ा सा छेना हाथों में लिया है और इसको हमने चपटा कर लिया है। चपटा करने के बाद इसके ठीक बीच में हम मावा का जो बॉल है वो रख देंगे, और इसके बाद थोड़ा सा छेना का मिक्सचर लेंगे और अच्छी तरह से इसे कवर कर लेंगे। तो देखिए हमने पहला वाला सॉन्देश बना लिया है, अभी ऐसे ही सारे बना लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।